हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके बेटा, इन चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज पार्टनरशिप द बेसिक फंडामेंटल्स, वी हैव डिस्कस्ड मेनी टॉपिक्स. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 टॉपिक्स, एंड दीज टॉपिक्स आर, वन इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, एंड अनदर वन दैट वी विल डिस्कस लेटर, दैट विल बी पास्ट एडजस्टमेंट. ओके, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो टॉपिक रहेगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट. तो अब हमें समझना है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट है क्या, एक्चुअली इसका मतलब क्या है. अब देखो, नाम से पता चल रहा है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए गारंटी. अब गारंटी देंगे किसको? गारंटी हम देंगे एक पार्टनर को. किसको? एक पार्टनर को. तो उस पार्टनर को गारंटी दे क्यों रहे हैं? एग्जाम्पल लेते हैं कि देर आर 2 पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म, एंड these two partner want to add another one partner, that is partner number C. But तो partner number C है बेटा, वो चाहता है कि अगर मैं इस partnership firm में आऊँ तो मुझे कुछ ना कुछ assurance होना चाहिए, कुछ ना कुछ guarantee होनी चाहिए कि मुझे इतना profit at least मिलेगा ही मिलेगा. ये एक partner की जो है, जो incoming partner है, उसकी क्या हो सकती है? Will हो सकती है, ठीक है, उसकी demand हो सकती है. अगर वो एग्जिस्टिंग पार्टनर उसकी विल को एक्सेप्ट करते हैं, देन इट्स ओके. देन अगर वो पार्टनरशिप की, उस पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर नंबर सी है, उसकी गारंटी जो वो मांग रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसको एडमिट नहीं करेंगे. अगर उसको एडमिट करते हैं तो क्या होगा उस केस में? उन दोनों पार्टनर्स को या दोनों में से किसी एक पार्टनर को मिल करके या फिर इंडिविजुअली, है ना, क्या करना पड़ेगा? गारंटी देनी पड़ेगी टू द पार्टनर नंबर सी. ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली? इट इज़ द एश्योरेंस. क्या है? एश्योरेंस है. किसको बोल रहा है? इट मीन्स एश्योरेंस गिवन टू अ पार्टनर दैट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी गिवन टू हिम इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड बाय द फर्म. मतलब फर्म को भले ही प्रॉफिट हो रहा है, फर्म को भले ही लॉस हो रहा है, इट डजेंट मैटर. अगर हमने किसी एक पार्टनर को गारंटी दे दी है तो हमें उसको उतना पार्ट ऑफ प्रॉफिट देना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में. ठीक है, तो अब देखिए बेटा, इसके अंदर होगा क्या? गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर बोल रहा है, व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी रिगार्डिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सच गारंटी मे बी गिवन आइदर बाय, अब देखो दो कंडीशन यहाँ पर जो मैंने आपको बताई अभी वही आएंगी, ऑल द अदर पार्टनर मीन्स जिस पार्टनर को आप गारंटी दे रहे हैं उसके अलावा जितने बाकी पार्टनर्स हैं उनको बताया गया यहाँ पर, बोला ना एक्सेप्ट गारंटी सीकर्स. ठीक है, और किस रेशियो में? इन देयर एग्रीड रेशियो. अब यहाँ एग्रीड रेशियो का मतलब क्या है बेटा, समझो ध्यान से इस चीज़ को. एग्रीड रेशियो का मतलब है कि वो पार्टनर्स आपस में एक रेशियो निर्धारित कर लेंगे कि भाई हम इस रेशियो में आपको क्या देंगे, गारंटी दे देंगे. मतलब गारंटी देते हैं कि इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा. अगर वो क्वेश्चन में अगर साइलेंट है कि उन्होंने एक एग्रीड रेशियो नहीं बनाया, तो जो उनका ओल्ड रेशियो रहेगा ना, उसी रेशियो में हम उसको क्या करेंगे, गारंटी देंगे टू द गारंटेड पार्टनर या गारंटेड सीकर. ओके, कंडीशन नंबर बी क्या बोल रही है? सम और वन ऑफ अदर पार्टनर्स. ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स थे, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी. पार्टनर सी को गारंटी मिली है, तो ये भी कंडीशन हो सकती है पार्टनर ए और बी दोनों ने मिलकर गारंटी दी है. ये भी हो सकता है कि ओनली पार्टनर ए ने गारंटी दी है. ये भी हो सकता है ओनली पार्टनर बी ने गारंटी दी है, है ना. अगर एक पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि पार्टनर ए और बी ने मिलकर दिए, सी ने कोई गारंटी नहीं दी. पार्टनर बी और सी ने मिलकर दिए, ए ने कोई गारंटी नहीं दी. किसको? टू द पार्टनर डी. ये भी हो सकता है कि तीनों ने मिलकर के जो पार्टनर डी है उसको गारंटी दी है. मतलब कुछ भी कंडीशंस यहाँ पर बन सकती हैं बेटा. ठीक है, बोल रहा है इफ़ देर इज सम डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट शेयर ऑफ गारंटी सीकर, इट मस्ट बी बोर्न बाय ओनली गारंटी गिविंग पार्टनर्स. ठीक है, कोई भी डेफिशिएंसी आती है अगर उसके प्रॉफिट में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिन पार्टनर्स ने एग्री किया गारंटी देने के लिए. ठीक है, बाकी पार्टनर्स के लिए कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी. हाँ जी, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर अगला पॉइंट आता है, व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ हीज और हर मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट, देन द कंसर्न प्रॉफिट मस्ट बी पेड एट लीस्ट द गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट.
मतलब अगर पार्टनर्स जो है गारंटी देते हैं, जो मिनिमम शेयर होगा जितना जितने अमाउंट की उनको गारंटी दी गई है, उतना पार्ट ऑफ प्रॉफिट तो उस पार्टनर को देना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। बोल रहे हैं इन सच केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट। अब देखो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई गारंटी कितनी दी है और कितनी उसको कितना उसको प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो उसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो तीन पार्टनर थे, ठीक है, पार्टनर सी को गारंटी मिली है कि उसको मिनिमम 3,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट का। अब हुआ क्या कि उनको मान लो प्रॉफिट हो गया 9,000 रुपये का, ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ 9,000 रुपये का, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1:1:1, तीनों इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो तीनों जब डिवाइड करेंगे इक्वली तो तीनों को कितना कितना रुपया मिल रहा है, तीन 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 है ना, 3,000 3,000 3,000 रुपया मिल रहा है ना उनको। इट मीन्स जो पार्टनरशिप था उसकी मिनिमम गारंटी कितनी थी, 3,000 रुपये की, और उसको उतना अमाउंट मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पार्टनरशिप को गारंटी दी जाती कि आपको 4,000 रुपया मिलेगा, उस केस में क्या होता। अब उस केस में पार्टनरशिप को तो सिर्फ 3,000 रुपया मिल रहा है, तो 1,000 रुपया उसको जो कम मिल रहा है बेटा, वो क्या होगा, वो बाकी दो पार्टनर्स जिस भी कंडीशन, जो भी उन्होंने कंडीशन रखी थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको देंगे, ठीक है। तो यहीं वो चीज़ बोल रहा है, इफ़ ही इज़ गेटिंग द गारंटेड अमाउंट और मोर देन दैट देन इट्स ओके। देखो अगर गारंटेड अमाउंट मिल रहा है और उससे ज़्यादा मिल रहा है देन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ ही इज़ गेटिंग लेस देन द गारंटेड अमाउंट, द डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय द गारंटी गिवर्स, ठीक है। तो अगर डेफिशिएंसी कोई भी आती है तो जो गारंटी गिवर है वो उसको पे करेगा, ठीक है। हाँ जी, तो बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। पहले तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किसके थ्रू होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू होता है। तो गारंटी वाला पॉइंट जो सारा लिंक करेगा बेटा किससे करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, क्लियर है। तो बोल रहे हैं सबसे पहले तो हमें क्या कंडीशन करनी है कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है, इस तरफ डेबिट साइड में क्या करते हैं, जो भी उनका अप्रोप्रिएशन होता है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, सैलरी है, कमीशन है, उन सबको देने के बाद, ठीक है, और उधर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेने के बाद जो भी लास्ट में अमाउंट बचता है उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वही सेम प्रोसेस हमें पहले स्टार्टिंग में करना है, उसके बाद हमें चेकआउट करना है कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई थी क्या उसको उतना प्रॉफिट लास्ट में मिला है या नहीं मिला है, ठीक है, ये मेन पॉइंट रहेगा इसके अंदर। तो बोल रहे हैं इफ़ देर इज़ प्रॉफिट, तो हम एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, है ना, तो वही कंडीशन करती है। अगर लॉस होता है तो उसके एंट्री को अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि गारंटी किस तरीके से दी जाएगी और कितने अमाउंट की दी जाएगी और किस रेशियो में दी जाएगी, अब उसको हम डिस्कस करेंगे वेदा यहाँ पर। तो केस वन और केस टू, देखो दो केस बनते हैं यहाँ पर। बोल रहा व्हेन गारंटेड पार्टनर गॉट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ आइदर इक्वल टू और अमाउंट ऑफ गारंटी और मोर देन दैट, अगर तो जो गारंटी का अमाउंट है उसके बराबर उसको पैसा मिल जाता है, उतना प्रॉफिट मिल जाता है या उससे ज़्यादा पैसा मिल जाता है, देन वट वी विल डू, नो नीड टू फर्दर एडजस्टमेंट। तो हमें कोई फर्दर एडजस्टमेंट नहीं करनी है, एज इट इज़ जो हम अभी तक करते आए हैं वही करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन केस टू क्या बोलता है, वैन गारंटेड पार्टनर गेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ लेस देन द अमाउंट ऑफ गारंटी, मतलब जितनी उसको अमाउंट ऑफ गारंटी दी गई थी उससे कम उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, उस केस में क्या क्रिएट होगा, डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी की भरपाई कौन करेगा, जो बाकी अदर पार्टनर्स हैं, जो जो पार्टनर्स गारंटी देने के लिए राजी हुए थे वो पार्टनर्स क्या करेंगे, उसके डेफिशिएंसी को भरपाई करेंगे, ठीक है। इन दिस केस द डेफिशिएंसी इज़ बोर्न बाय गारंटर्स, ठीक है, या गारंटर भी हो सकता है, गारंटर्स भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी, इन एन एग्रीड रेशियो। तो एंट्री क्या होगी, जो गारंटी दे रहा है, जो गारंटी दे रहा है तो उसकी पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको हम डेबिट कर देंगे, सिंपल। जो भी पार्टनर गारंटी देगा उसकी पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट। अब डेबिट करने का मतलब क्या हुआ कि उसकी कैपिटल को हम उतने अमाउंट से कम कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल का तो बैलेंस क्रेडिट होता है, और क्रेडिट को अगर कम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा, सिंपल रूल है अकाउंटेंसी का ना। तो गारंटी जो गिवर है उनको हम डेबिट कर देंगे, और जिसको गारंटी मिल रही है उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू गारंटी सीकर, ठीक है, गारंटी सीकर्स कैपिटल अकाउंट मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी डेफिशिएंसी को हम क्या कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे उतने अमाउंट से जितने अमाउंट से क्या हुआ था,
उसकी जो गारंटी का अमाउंट कम पड़ रहा था, ठीक है। हाँ जी, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर अगला पॉइंट बोल रहा है जो गारंटी क्वेश्चन है किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो मेनली वो थ्री फॉर्मेट्स में पूछता है मेनली, ठीक है। एक तो बोल रहे हैं शो द कंप्यूटेशंस ओनली, मतलब कंप्यूटेशन मतलब ओनली जो अमाउंट को निकाल के दिखा दो कि कितना अमाउंट है जिसको हमें एज अ मिनिमम गारंटी उसको देना पड़ेगा और किस किस रेशियो में देना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है कि जर्नल एंट्री के लिए बोल सकते हैं, तो आप जर्नल एंट्री कर दोगे। तीसरा वो बोल सकता है मैक्सिमम कि प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये तीन कंडीशंस आपके सामने बेटा यहाँ पर आ सकती हैं, क्लियर है। हाँ जी, तो इसको हम विद दी हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। तीन पार्टनर्स थे, तीनों पार्टनर्स का रेशियो हमें गिवन है 2:2:1। हाउ एवर सी इज़ गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000। अब देखो सी इज़ गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। सी को एक गारंटी मिल रही है कि आपको मिनिमम कितना रुपया मिलेगा, 10,000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम अमाउंट है, मतलब इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, ठीक है। अब एवरी ईयर के बाद देखो क्या बोल रहा है, बाय बी पर्सनली, बाय बी पर्सनली, मतलब ओनली बी ने गारंटी दी है सी को, ए का इसमें कोई रोल नहीं है बेटा, ए का इसमें कोई रोल नहीं है, ए कुछ कंपनसेट नहीं करेगा। अगर कुछ भी डेफिशिएंसी आएगी तो कौन कंपनसेट करेगा, ओनली बी, है ना। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड 2016 वर ₹60,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 31 मार्च 2015 का आपका प्रॉफिट कितना है, 60,000। 31 मार्च 2016 का आपका प्रॉफिट कितना है, 40,000। तो बोल रहा प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम पहली कंडीशन लेकर चलेंगे 31 मार्च 2015 की, मतलब जो 60,000 का प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पर ना तो कोई सैलरी है, ना कोई कमीशन है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है। वो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि कुछ भी नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 60,000 रुपये को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अब बेटा ये डिवाइड कैसे करेंगे, देखो हाँ जी, हमें पता है कि 60,000 का टोटल प्रॉफिट है ना। अब यहाँ पर कुछ भी ना तो सैलरी है, ना कमीशन है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, तो उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में 60,000 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड कैसे करना है, देखो बेटा टोटल अपने पास कितना प्रॉफिट है, 60,000, ठीक है। अब 60,000 को हम किस में डिवाइड करेंगे, रेशियो आपके हमने गिवन, तो यहाँ पर 2:2:1 जो पार्टनर ए है उसका रेशियो, अब देखो इसमें डिवाइड कैसे करते हैं, 2:2:1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, पहले तो देखो कि जो पार्टनर ए है उसका पार्ट कितना बनता है, 2, टोटल कितने पार्ट में से, टोटल इसका अब टोटल करो, 2+2+1 कितना हो गया, 5, है ना, 2+2 4+1 5, तो डिवाइड बाय 5। अब इसको 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो अब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो देखो करो इसको ज़रा डिवाइड एक बार, 5 1 5 power 1 5 2 10 30 बच गए, तो कितना आ गया, 12,000 तो आ गया, इसको डिवाइड करके, और ये 2 बचा हुआ है मल्टीप्लाई करना है उससे, तो कितना आ गया, 12 2 24 24,000। तो क्या हुआ यहाँ पर बेटा, देखो पार्टनर ए को कितना मिल गया, 24,000। पार्टनर बी का भी सेम उस तरीके से करेंगे, अब दोनों का रेशो सेम, 2:2 का रेशो, तो दोनों को 24:24 मिलेगा, तो इसको भी 24 मिल गया। अब पार्टनर सी है उसका रेशो क्या, 1 है, तो उसके केस में क्या करेंगे बेटा, उसके केस में दोबारा से वही करेंगे, 60,000, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, उसका रेशो 1 है, तो 1 करके डिवाइड बाय 5। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ रहा था, 12,000 आ रहा था, ठीक है। अब 12,000 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे कितना आएगा, 12,000। तो आपके सामने देखो बेटा यहाँ पर ये 12,000 सी को मिल गया। अब आपको चेक करना है, पहले तो ये सिंपल हमने कैलकुलेशंस तो करनी है, उसके बाद हमें चेक क्या करना है कि जो सी को मिनिमम अमाउंट कितना मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था बेटा, सी को मिलना चाहिए था मिनिमम अमाउंट 10,000। देखो बोल रहा ना मिनिमम गारंटी है ना, और लेकिन उसको मिला कितना है, 12,000, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको 10,000 मिनिमम अमाउंट मिलना चाहिए था, मैक्सिमम की कुछ लिमिट नहीं है यहाँ पर, मिनिमम अमाउंट की लिमिट है ना, तो मिनिमम 10,000 उसको मिलना चाहिए था, उसको मिला कितना है, 12,000। तो यहाँ पर देर इज़ नो नीड टू फर्दर एडजस्टमेंट्स, कोई हमें फर्दर एडजस्टमेंट यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर ही क्लियर हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन की कंडीशन नंबर 2 है जो बेटा, कंडीशन नंबर 2 क्या है, 40,000 वाली, वो कब की है, 2016 की, हमने 31 मार्च 2015 का अकाउंट बनाया, कोई दिक्कत नहीं आई।
अब हम बनाएंगे 31 मार्च। अब देखो पहले तो समझो उसकी एंट्री कैसे की है, वो एंट्री हम जो पहले भी कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट 24,000 24,000 12,000 जो हमने पीछे निकाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एज सी गॉट रुपीज 12,000 एज अ प्रॉफिट विच इज़ मोर देन हिज गारंटी अमाउंट, उसकी गारंटी अमाउंट से ज़्यादा है तो यहाँ पर कोई फर्दर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। क्लियर है बेटा? हाँ जी। अब सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अब जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं बेटा, वो कब का बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 2016 का, और 2016 में हमें पता है हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 40,000। कितना है बेटा, 40,000। अब जो हमने पहले किया था वही दोबारा हम करेंगे यहाँ पर। पहले तो हम 40,000 को डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, 2:1 की रेशियो में। ठीक है, हाँ जी, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 ऐसा करेंगे ना बेटा। ठीक है, 5 8 जा 40 3 0, तो 8 2 जा 16, तो 16,000 आ गया, आ गया ना 16,000। देखो बेटा यहाँ पर ए को कितना मिल गया 16, बी को कितना मिल गया 16, सी को कितना मिल गया 8। ठीक है, अब ये 8 कैसे मिला देखो ज़रा, 40,000 था मल्टीप्लाई बाय 1/5 करेंगे तो 5 8 जा 40 8,000, उसको कितना मिला 8,000। अब क्वेश्चन जनरेट होगा बेटा यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या था कि सी को मिनिमम गारंटी कितनी मिलनी चाहिए, 10,000, मिली कितनी है 8,000। देखो बेटा 10,000 मिलनी चाहिए थी ना उसको, कितनी मिलनी चाहिए थी 10,000, पर मिली कितनी है उसको ओनली 8,000, तो डेफिशिएंसी कितने रुपये की आई बेटा यहाँ पर, तो डेफिशिएंसी आई 10,000 में से 8,000 को माइनस किया हमने तो 2,000 रुपये की। 2,000 रुपये वो हैं जो डेफिशिएंसी आई सी के गारंटी में। अब हमें पता है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पार्टनर है कौन सा पार्टनर है जो सी को गारंटी दे रहा है, पार्टनर नंबर बी। ठीक है, तो पार्टनर नंबर बी जो है उसके अमाउंट में से, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है उसमें से 2,000 रुपये माइनस कर देंगे, और वो 2,000 रुपये ऐड क्या कर देंगे सी के पार्टनर्स कैपिटल, जो सी पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो बी था उसका 16,000 बन रहा था बेटा, उसमें से हमने लेस क्या किया, लेस सी शेयर। ठीक है, सी शेयर कितना था 2,000, उसको माइनस किया कितना आ गया 14,000, तो अब इसको कितना रुपये मिलेगा बी को, ओनली 14,000, और सी को कितना मिल रहा था 8,000 मिल रहा था बेटा, उसमें जो बी का शेयर ऐड कर देंगे 2,000 रुपये तो कितना आ गया 10,000, तो सी को कितना मिल गया 10,000। अब 10,000 सी को मिल गया तो उसकी गारंटी जो थी वो कंप्लीट होगी, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर देखो, पहले देखो जो एंट्री आई, एंट्री क्या आई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, जो नॉर्मल एंट्री हम करते हैं, 40,000 था 16,000 16,000 और 8,000। क्लियर है? उसके बाद हमने जब एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट एंट्री क्या आई गारंटी की, कि अब देखो मैंने क्या कहा था आपको कि जो गारंटी देता है उसकी कैपिटल को डेबिट करना है, जिसको गारंटी दी जाती है उसकी कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो दिया किसने था गारंटी, बी ने, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, और दी किसको दी, सी को, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपये से 2,000 रुपये से, है ना, तो 2,000 रुपये से उसकी वो एंट्री हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर देना है। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन और देखो बेटा, इसके अंदर ही बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:2:1 रिस्पेक्टिवली, है ना। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस सीज शेयर इन प्रॉफिट शुड बी लेस देन 7,500। कोई भी केस में जो सी का शेयर है वो 7,500 रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम गारंटी कितनी होगी सी की 7,500। बोल रहे हैं द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कितना है 31,500, 31,500 हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स बाय प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और आपको इनकी अप्रोप्रिएशन शो करनी है। अब आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ देख रहे होंगे, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एक्चुअली हु इज़ गिविंग गारंटी टू पार्टनर सी, कौन दे रहा है, ए दे रहा है या बी दे रहा है, कुछ डिस्क्लोज नहीं किया ना यहाँ पर बेटा। अगर कुछ भी डिस्क्लोज ना किया हो
क्वेश्चन के अंदर। तो ये एज्यूम किया जाता है कि दोनों पार्टनर्स मिलकर के उसको किसको, जो अपना गारंटी सीकर पार्टनर होगा उसको गारंटी देंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टनर ए और पार्टनर बी मिलकर के पार्टनर सी को गारंटी देंगे। अब दूसरी कंडीशन इस क्वेश्चन में जो डिस्क्लोज नहीं की है वो क्या नहीं डिस्क्लोज की, कि किस रेशियो में करेंगे। तो जब भी कोई रेशियो गिवन ना हो तो जो ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है हम उसी रेशियो में करेंगे। अब ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या बनेगा, 4:2 है ना, तो उस रेशियो में हम उसको कर देंगे अगर यहाँ पर कोई डेफिशिएंसी आई तो। अगर डेफिशिएंसी नहीं आ रही फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, है ना। तो अब इसको भी ज़रा देखते हैं करके, तो 31,500 टोटल अमाउंट था। अब रेशो क्या है, 4:2:1, 4:2:6+1:7 टोटल आ गया 7, तो 4/7 इस तरह ये पार्टनर ए का निकलेगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो तो 4 आ गया, 28 3 बचा, ठीक है, एंड 7500 तो 4500 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो मल्टीप्लाई अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 18,000 है ना। तो 18,000 किसको मिलेगा, ए को, किसको मिलेगा बेटा, ए को। अब इसी तरीके से जो बी है उसको उसको कितना मिलेगा, 31,500 मल्टीप्लाई बाय 2 उसका रेशो था ओवर 7 रहेगा, तो इसको हमने डिवाइड किया था 4500 आया था ना, तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया, 9,000 तो उसको 9,000 मिलेगा। पार्टनर सी है उसका कितना बनता है, 31,500 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि उसका रेशो क्या है, 1 है देखो बेटा यहाँ पर ओवर 7, तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा था, 4500, तो कितना मिल रहा है उसको, 4500। अब लेकिन हमने देखा बेटा कि जो पार्टनर सी था उसको मिनिमम गारंटी कितनी मिलनी थी, 7500 की, उसको मिलने कितने हैं, 4500, तो 7500 और टोटल उसको मिलना चाहिए था अमाउंट, ठीक है, पर मिला कितना उसको, -4500, मतलब इतना 4500 उसको मिला। तो 7500 में से 4500 को माइनस कर देंगे तो वो जो बाकी अमाउंट निकल कर आएगा वो अमाउंट क्या होगा, वो होगा डेफिशिएंसी अमाउंट। क्या होगा बेटा, सॉरी डेफिशिएंसी अमाउंट। तो अब इसको माइनस करो तो कितना अमाउंट आ रहा है, 3000 रुपया। तो ये 3000 रुपया वो अमाउंट है जो डेफिशिएंसी है, क्या है, डेफिशिएंसी है जो कि सी को मिलना है। अब ये सी से सी को मिलेगा किसके थ्रू मिलेगा, ए और बी के थ्रू मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा, जो उनका ओल्ड रेशियो है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है ना। तो क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बताया तो अब देखो क्या रेशियो उनका, 3000 रुपये था, उसको डिवाइड करेंगे किस में, ए और बी में, कि ए सी को कितना देगा और बी सी को कितना देगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब उनका रेशियो क्या है, 4:2 है, अब इसको और छोटा करते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो रेशियो क्या बन गया, 2:1 उसकी रेशियो में हम 3000 को डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 / 3, 2+1 3 होता है ना, तो 3 को यहाँ से काटेंगे तो कितना आ गया, 1000। अब 1000 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया बेटा, 2000, मतलब ए जो है वो सी को कितना देगा, 2000 रुपीज़ देगा। तो आप देख ही रहे हैं ए का टोटल 18000 बन रहा था, उसमें से लेस कर दिया सी का शेयर कितना, 2000, तो 2000 शेयर किया, जो शेयर था सी का माइनस किया तो कितना बच गया, 16000। तो ए को कितना मिलेगा अब, 16000। इसी तरीके से जो बी है उसका निकालो, 3000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, जब इसको डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। 1000 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, 1000 आएगा, तो मतलब बी सी को कितना देगा, 1000। तो ए ने कितना दिया सी को, 2000, बी ने सी को कितना दिया, 1000, टोटल कितना हो गया, 3000, और सी को डेफिशिएंसी कितनी आ रही थी, 3000 सी को पूरा मिल गया। इट मीन्स ए ने भी बी सी को दिया और बी ने भी सी को दिया कितना कितना अमाउंट, ए ने 2000, बी ने 1000, और सी का पूरा 3000 कंपनसेट हो गया, यहाँ पर उसको पूरी गारंटी मिल गई। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सी था, ठीक है, जो बी था उसका 9000 था, उसमें से 1000 माइनस कर दिया तो आ गया उसका 8000, ठीक है। उसके बाद जो सी था बेटा यहाँ पर देखो उसके कितने मिल रहे थे, 4500 उसको मिल रहे थे, प्लस 2000 उसको मिल गया ए से, 1000 उसको मिल गया बी से, तो टोटल कितना आ गया, 7500। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा आपका कंप्लीट हो गया, समझ रहे बेटा किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। यस, तो इसके जर्नल एंट्री देखो, पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का अमाउंट 31,500 आ गया। टू एज कैपिटल उसको कितनी मिल रही थी, 18,000। टू बीज कैपिटल कितना मिल रहा था, 9,000।
टू सीज कैपिटल कितना मिल रहा है 4500। ये जो हमारे हमने जो पहले कैलकुलेशंस की थी उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि जिन जिन पार्टनर ने गारंटी दी है उनको हम डेबिट करेंगे। तो गारंटी किस किसने दी है, पार्टनर ए ने और पार्टनर बी ने। तो पार्टनर ए इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ए ने दिया था 2000, बी ने दिया था 1000, सी को मिला 3000। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। अब एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं आपके सामने। बोल रहा है विष्णु जया एंड शिवा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। शिवा इज गिवन अ गारंटी दैट ही शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर वुड बी ₹5000। किसी भी साल में उसका प्रॉफिट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट वो 5000 मिनिमम रहेगा, ठीक है। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय विष्णु एंड जया, ठीक है जियान। तो वो डेफिशिएंसी कैसे बोर्न करेंगे, इक्वली। ये मेन पॉइंट है बेटा यहाँ पर। जो भी दोनों पार्टनर है किस में करेंगे, इक्वली, मतलब कि 1:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे बेटा। ध्यान रखना इस चीज़ को, किस रेशियो में, 1:1 की रेशियो में। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 40000। तो आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा इस वीडियो को पहले आगे देखने से पहले आप इसको खुद से कैलकुलेट करके देखना बेटा, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना आप। क्लियर है? हाँ जी। आप सोल्यूशन देखिए आप इसका। हाँ जी। तो सोल्यूशन आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पर, देखिए। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट था, हमें पता है कि नेट प्रॉफिट कितना है 40000, हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। एंड बोल रहा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे किसका, विष्णु जया एंड शिवा, है ना। तो जो गारंटी मिली है किसको मिली है, शिवा को। किसके थ्रू मिली है, विष्णु एंड जियान के थ्रू, है ना। जो विष्णु है उसका अमाउंट कितना बनता है, हमारा देखो जो रेशियो था 5:4:1 था रेशियो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 40000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 + 4+1, कितना हो गया, 10 हो गया ना। हाँ जी 10। तो इसको कर दिया कितना, 4000 एंड 4×5=20। तो कितना मिल गया उसको, 20000 मिल गया यहाँ पर देखो। और उसके बाद हम आएंगे जयान पे। अभी ये लेस वाला बात पॉइंट है वो बाद में क्या जाता है बेटा, पहले हम तीनों की कैपिटल निकालते हैं कितना कितना अमाउंट उनको मिला है, उसके बाद तो हम डेफिशिएंसी निकाल पाएंगे ना। हाँ जी। तो जयान को कितना मिला है, 40000 मल्टीप्लाई बाय, इसका रेशियो 4 था, 4/10। तो कर दिया इसको डिवाइड यहाँ पर, तो कितना आ गया, ठीक है। तो 4×4=16, तो 16000 मिल गया उसको। ये देखो आपके सामने 16000 आ गया। हाँ जी। उसके बाद जो लास्ट पार्टनर अपना शिवा था उसको कितना मिलना चाहिए था, 40000 मल्टीप्लाई बाय, उसका रेशियो 1 था तो 1/10 कर दिया, कितना मिलेगा 4000। कितना मिलेगा बेटा, 4000। लेकिन जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग उसको मिनिमम गारंटी कितनी मिली है, 5000 रुपये की। तो कमी कितने की आ गई बेटा, 1000 रुपीज़ की। अभी 1000 रुपये जो है उसकी कमी आई है तो वो किस किस के बीच में आई है, मतलब किस किस को बियर करना पड़ेगा, वो विष्णु को और जियान को, किस रेशो में, रेशो क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेटा 1:1 इक्वल, है ना। तो कुछ नहीं करना सिंपल। तो अब हमें पता 1000 रुपया है, इसको इक्वली डिवाइड करना है दोनों पार्टनर में। तो दोनों पार्टनर क्या करेंगे, 500 रुपया अपना पार्टनर जो है अपना विष्णु और अपना जैन, ये दोनों क्या करेंगे, 500 रुपया अपनी कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और ये 500 रुपया दोनों की जो कैपिटल का अमाउंट है किसमें ऐड हो जाएगा, शिवा की कैपिटल में। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, तो ये सारा अपनी एडजस्टमेंट हो जाएगी। क्लियर है? तो बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर इतना ही। तो ये जो क्वेश्चन था बेटा आ जाता कई बार 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बेटा। तो इसको आपको क्लियरली ढंग से पढ़ लेना है, बहुत ईजी टॉपिक है। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट, जिसको हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।